अनियमित पीरियड को कैसे ठीक करें। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी पीरियड अनियमित है तो आपको प्रेगनेंसी, ये तो बात सही है कि प्रेगनेंसी आपको अनियमित पीरियड में नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी पीरियड ही अनियमित रहेगी तो उसमें आपको, जब अनियमित पीरियड रहेगी तो अंडा भी नहीं बनेगा, और जब अंडा नहीं बनेगा तो आप खुद समझ सकते हो कि जब अंडा बिल्कुल नहीं बनेगा तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी। इस बात को आपको समझना काफी जरूरी है। तो इस पीरियड को कैसे आप ठीक कर सकते हो, कुछ चंद घर लू आप अपने मसालों से ही इस चीज को ठीक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, बहुत महंगे महंगे इलाज करवा चुके हो, बहुत महंगे महंगे इलाज करवा के अगर थक चुके हो तो इन होम रेमेडी का आप इस्तेमाल करिए। 100% आपको 6 महीने में अंतर, 1 महीने में ही अंतर समझ में आने लगेगा, और 6 महीने में आपकी जो भी समस्या है 6 मंथ में ही ठीक हो जाएगी, अगर ये इसमें से आप कोई भी होम रेमेडी इस्तेमाल करते हो तो। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि होम रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर होम रेमेडी लेते हो, अगर कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं मुझे साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वहीं पे उसको बंद कर देना है। जैसे कि आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या फिर और भी कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो ये आपको महसूस हो रहे हैं, अपनी बॉडी को अच्छे से समझते हो, महसूस हो रही है, तो आप उस चीज को वहीं पे बंद कर दो, उसको कंटिन्यू आगे की तरफ ना ले जाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं कि कौन कौन सी होम रेमेडी है जिससे कि आप अपने अनियमित पीरियड को ठीक कर सकते हो। सबसे पहला है अदरक। देखिए फ्रेंड्स, अदरक जो होते हैं, अदरक हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं, और अदरक बिल्कुल जादू की तरह आपके ऊपर काम करता है। इसमें आपको जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके पीरियड को लाने में और आपके सूजन को ठीक करने में, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन पैदा करने में, और कॉन्ट्रेक्शन पैदा करके और आगे चल के पीरियड को लाने में काफी आपका मदद करते हैं। तो आपको अदरक का इस्तेमाल जरूर करने चाहिए, और अदरक का इस्तेमाल आपको चाय बना के नहीं पीने हैं, आपको अदरक में चाय पत्ती चीनी दूध डाल के नहीं पीने हैं, केवल अदरक को खाली बॉइल करके ही पीने हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा होम रेमेडी है मेथी। अगर आप मेथी का इस्तेमाल करते हो तो भी आपको काफी बेनिफिट देने वाला है। अगर आपका पीरियड अनियमित है, पीरियड ऊपर नीचे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन चढ़ के आते हैं, तो आप मेथी का इस्तेमाल करोगे कैसे ये तो समझ लो। थोड़ा सा मेथी का इस्तेमाल आपको खाली पेट करना है। रात को क्या करो कि 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो, और जब सुबह उठो तो उस पानी को छान लो, छान के बॉयल कर लो, या फिर मेथी सहित बॉयल कर लो और मेथी को हटा दो और पानी को पी लो। ऐसे आपको करने हैं। इसको करने से आपका पीरियड जो है, जो अनियमित है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो मेथी के बाद एक और काम करना है, गुड़ का इस्तेमाल करना है। उसमें पोटेशियम और सोडियम काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं गुड़ में। तो अगर आप इसका रोजाना इस्तेमाल करते हो तो इससे भी आपके पीरियड की प्रॉब्लम में आपको काफी, अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हो तो। लेकिन गुड़ का इस्तेमाल सही जगह पे करने चाहिए। आप गुड़ की चाय तो नहीं मैं प्रेफर करूंगी, क्योंकि चाय की पत्ती होती है उसमें काफी कैफीन होता है, तो चाय तो आपको मैं नहीं बोलूंगी पीने के लिए, चाय तो आपको पीने ही नहीं चाहिए। तो आप गुड़ का इस्तेमाल किसी भी प्रकार का, अगर मीठे की क्रेविंग है तो आप गुड़ के लड्डू बना सकते हो, गुड़ की बहुत सारी चीजें बनती हैं जिसे गुड़ की चिक्कियां बना सकते हो, तो गुड़ का इस्तेमाल अपने डाइट में आपको करने ही करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हल्दी जो होता है, ये हल्दी हमारे शरीर को कितना लाभ देता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने डाइट में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो आप 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में हल्दी बॉयल करके भी ले सकते हो। इसके अलावा जो दूसरा चीज है, वो 1 गिलास दूध में भी हल्दी ले सकते हो रात को सोते समय, या फिर रात को सोते समय लो, अगर दूध में लेना चाहते हो तो रात को सोते समय लो, ये आपको काफी बेनिफिट देगा। और जो है, दिन में आप 1 गिलास पानी में हल्दी को बॉयल कर लो, उबाल लो, उबाल के आप ले सकते हो। ये आपको काफी, आपके पीरियड प्रॉब्लम में निजात देने में आपको काफी मदद करेगा। अगर आप
विटामिन सी, विटामिन सी जो होती है इसमें आप कीवी ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, उसके अलावा आपका जो है संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, विटामिन सी भी आपके पीरियड की प्रॉब्लम को ठीक करने में आपका काफी मदद करेंगे। अगर आपकी आपको पीरियड की प्रॉब्लम है तो विटामिन सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंवले को चटनी के फॉर्म में ले लीजिए, आंवले को मुरब्बे के फॉर्म में ले लीजिए, बट वहां पे आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, गुड़ का इस्तेमाल करना है। या फिर आंवले को आप जो है अचार के फॉर्म में बना लीजिए, उसमें ज्यादा तेल मसालों का इस्तेमाल मत करिएगा, हल्का अपना रखिएगा। इन सारे चीजों को अगर आप लेते हो तो आपकी जो भी पीरियड की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको दालचीनी, दालचीनी भी आपको फ्रेंड्स में बहुत हेल्प करता है आपके पीरियड को प्रॉब्लम पीरियड की प्रॉब्लम को ठीक करने में। दालचीनी की चाय ले लीजिए, दालचीनी की चाय अपना, दालचीनी का पानी हो गया, दालचीनी की चाय हो गई, दालचीनी का पानी अपना सुबह सुबह बना लीजिए, और इन सारे चीज को खाली पेट ही लेना है। गुड़ है, गुड़ को आप कभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दालचीनी हो गया, हल्दी हो गया, इन सारे चीज को, अदरक की चाय हो गई, जो होम रेमेडियां होती है उसको सुबह सुबह खाली पेट ही लिया जाता है तो ही ये आपको बेनिफिट देगा, वरना ये आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। तो खाली पेट लोगे तो जो आपका सिस्टम है, जो आपके यूट्रेस में गांठ होगी या फिर यूट्रेस में आपको सूजन वगैरह होगा तो उसको ये ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एलोवेरा, एलोवेरा भी काफी आपकी मदद करता है, आपकी आपके पेट को साफ करता है, आपके सूजन को कम करता है, आपके मोटापे को कम करता है, आपका वेट वेट लॉस करता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में आपको काफी बेनिफिट देगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, इसके अलावा आप लेग अप द वॉल पोजिशन कर लीजिए, लेग अप द वॉल पोजिशन काफी आपको बेनिफिट देगा। आपका जो भी ब्लड का फ्लो है वो यूट्रस की तरफ जाएगा, क्योंकि कभी कभी ब्लड का फ्लो यूट्रस में नहीं पहुंच पाता है, इससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और पीरियड जो है अनियमित रह जाती है। तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो कम से कम काफी ठीक रहेगा। इसके अलावा आपको सूर्य नमस्कार का जितने भी भाग है उसको उस भाग को पूरे कर लेने हैं। इसके अलावा आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें वॉकिंग वॉकिंग जरूर अपना आपको उसमें करना है। वॉकिंग आप 10 से 15 मिनट सुबह, 10 से 15 मिनट शाम, दो टाइम अपना वॉकिंग को रखिए, और ये आपको ये सारे चीज आपको काफी बेनिफिट देंगे। और आपकी पीरियड की प्रॉब्लम कैसी भी है, 2 महीने पे आती है बिना मेडिसिन की पीरियड नहीं आती है, उसमें भी आपको काफी रिलीफ देगा और हर चीज में आपको काफी मदद करने वाला है अगर आप ये सारे होम रेमेडी को इस्तेमाल करते हो तो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन चीजों का जो है होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हो तो आपको बाहर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तला भुना, डिब्बे बंद खाने, इन सारे चीजों का आपको इस्तेमाल बिल्कुल, इन सारे चीज को बिल्कुल भूल जाना है कि ये सारे चीज हमारे डाइट में हैं, इन सारी चीजों को मुझे खाना है, पिज्जा बर्गर चाउमीन आप डिब्बा बंद खाने, मैदा युक्त खाने, शुगर चीनी वगैरह, ये इन सारे चीजों को आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।